6 महीने से लगभग कैमरा पड़ा था, तो हमने कहा बैटरी वैटरी खराब ना हो गई हो इसकी। हमने कहा कि भाई एक बार देख लेते हैं कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, कि फिर से लेना पड़ेगा नया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं घाघरा घाट, कम से कम 6 महीना बाद हम लोग जा रहे हैं। ये वीडियो इतना लेट क्यों पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो हम लोग चलते हैं घाघरा घाट की तरफ और रास्ते में बात करते हैं आपसे कि क्या हुआ था एक्चुअली में, कि क्यों इतना लेट हुआ है, कि नहीं। तो चलते हैं भाई। ये हम लोग पहुँच गए कुआना जंगल। ये हमारे बलरामपुर के पास में लखनऊ जाते वक्त ये जंगल पड़ता है कुआना। ये है कुआना नदी और ये है कुआना जंगल। काफ़ी बड़ा जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। यहाँ पे कभी कभार तेंदुआ तेंदुआ भी आ जाते हैं, सुनने में आता है गांव आओ साइड में कहीं ना कहीं। ये हे भाई साहब, चलवा देख रहे हो भाई का? ओफो, क्या हो गया भाई? चलो बंदर, मंकी मंकी ऑल द वे, मंकी मंकी। एक तो काफ़ी लेट हो गया निकलने में, तो लौटने का भी टेंशन है। और टेंशन नहीं है, बस ये है कि घर वाले थोड़ा ज़्यादा फिक्र होती है घर वालों को हमारी। ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी घर वाले ऐसे राइड्स पे निकलो तो फिक्र करते हैं। भाई से बोलता हूँ थोड़ा खींच के चले, 60-70 चलेंगे तब तो हो गया, फिर लौट चुके आज की डेट में। चलो मैं शुरू करते ब्रो, लेके प्रभु का नाम। वही तो। ओके बाय। हाँ तो गाइस, अभी वही हुआ जिस बात का डर था। एक्चुअली हम लोग जो सोच रहे थे जो चीज़ ना हो वही हो गई है। कैमरा जो है हम लोग का वो 10 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद बंद हो गया। पावर बैंक तो ले आए थे पर उसके साथ का जो केबल होता है वो नहीं लेके आए। होता है जल्दीबाजी में अक्सर ये सारी चीज़ें हो जाती है जल्दीबाजी में। तो अभी हम लोग गोंडा पहुँच के एक केबल ख़रीदे हैं, फ़िलहाल कैमरा को लगा दिया है चार्ज पर। ये देखिए कैमरा हो रहा है चार्ज। ये और एक चीज़ सबसे बड़ा पोपट ये हो गया था हम लोग का कि हम लोग ने जो कैमरा एंगल सेट किया था वो भी बेकार हो गया था। वो थोड़ा क्या हो रहा था कि मीटर पे शो हो रहा था, डायरेक्ट ऊपर नहीं आ रहा था। वो उसका रीज़न ये है, भाई हेलमेट उठाना, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा हेलमेट है वो आगे से थोड़ा राउंड है ना। ये चीज़ थोड़ा राउंड होने के कारण क्या होता है कि जब इस पर माउंट करते हैं कैमरा तो उसका जो एंगल होता है वो थोड़ा ऐसे तिरछा रहता है नीचे की साइड। तो खाली मीटर रिकॉर्ड कर रहा है, ऊपर नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। अभी हम साइड में उसको माउंट कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे हो रेहान भाई, डोमिनार कैसी परफॉर्म कर रही तुम्हारी? बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ी चल रही है भाई। ये गाड़ी जो है बहुत तगड़ी चल रही है, मज़ा आ रहा है इसको देख के ही, मज़ा आ रहा है। मैं तो चला नहीं रहा हूँ, मैं तो ये चला रहा हूँ। ये क्लच प्लेट इसका वीक हो गया है। इस पर क्या हो रहा है अभी कि 85 और 90 के बीच में जो है जब स्पीड पहुँचती है तो ऐसा लगता है ना गाड़ी डिमांड कर रही है कि लगा दो पछवा, लगा दो। जबकि इसका क्लच प्लेट सही होता है तो 115-120 पे इसका फिफ्थ गियर हम शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, गाड़ी पे स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ गाड़ी स्ट्रेस में आ रही है। तो कहाँ भाग गया भाई? करो रिकॉर्ड करो यार, करो नहीं करो। अब तू रिकॉर्ड करो। तो भाई कुछ कहना चाहो? ठीक है, चलते हैं बनारस पे। कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। टाइगर है तू, रोर रोर। अभी ये देखिए, ये कैमरा अभी चार्ज पे लगाया है, चार्ज हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। कितना हो गया भाई ये? कितना हो गया चार्ज? ओ माय गॉड, बंद हो गया। पोपट पोपट लगाओ यार, चार्ज हो रहा है बे तब से। एक्चुअली इसमें है क्या कि अभी आप जो हम लोग कैमरा सेट करेंगे उसका एंगल थोड़ा तिरछा रहेगा, तो गाइस प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अभी नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो आएंगे उसके लिए एक हेलमेट ही नया लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग का हेलमेट पूरा गोल अंडे जैसा है, उसमें कहीं फ्लैट सरफेस है ही नहीं कि उसको हम लोग माउंट कर पाएं। और जो माउंट हो रहा है वो हल्का सा ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए जो फ्रेम आ रहा है वो हल्का तिरछा आ रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतना दूर आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग भी एंजॉय करिए, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो चलते हैं अब, घाघरा घाट पहुँचते हैं,
जो भी चीज़ अच्छी लगेगी वो आपको शूट करते हुए जाते हुए दिखाते हुए जाएंगे। 100 साल का पेड़ लगा हुआ है वो भी देख लो, ठीक है। 100 साल का ये पेड़ लगा भाई, मेरा इमोशनल हो गया पेड़ देख के। डोमिनार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, और इसका कंफर्ट और इसका सेटिंग पोस्चर सब कुछ मज़ेदार है। मेरा भाई क्या चला रहे ना अभी, अब चले पकड़ते थोड़ा टीज करते हैं। डोमिनार है ना अभी नई नई दुल्हन है, नया नया प्यार है यार। डोमिनार तो माँ कसम क्या परफॉर्म कर रही, मजा आ रहा है उसको देख के ही, मजा आ रहा है। मैं 122 तेज चल रहा था, 122 तेज चलने के बावजूद जो है डोमिनार जो बगल से ऐसा निकली है धुआं की तरह, वाह मजा आ गया। गर्मी बहुत थी तो चाय को हम लोग ने कर दिया कैंसिल और हम लोग पी रहे हैं ये गन्ने का जूस, भाई ने बना के दिया बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। गर्मी बहुत तगड़ी है, चाय पीने की ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चीयर्स। मैगी खा के देखते हैं टेस्ट करके बताओ। हाँ तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घाघरा घाट, जो कि आज हम लोग का डेस्टिनेशन था आने का और राइड मारने का। ये 100 किलोमीटर दूर है लगभग। शुक्ला का ढाबा, शुक्ला की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं पे हम लोग आए थे, चाय पीने ही आए थे बात करने। लेकिन यहाँ आने के बाद धूप इतनी तगड़ी कि चाय पीने का ज़रा भी इच्छा नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ रुक गए। यहाँ पर हम लोग ने गन्ने का रस पिया, मैगी खाया, और अब मेन बात पे आते हैं कि वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है। तो वीडियो लेट आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 2 नवंबर को हम लोग जा रहे थे सोनपथरी, रिकॉर्ड कर रहे थे, अपनी लेन से जा रहे थे। हुआ क्या कि उधर से मेरे ख्याल से वो गांव का लड़का था, अभी नया नया सीख रहा होगा चलाने, वो रॉन्ग साइड से ट्रक के पीछे से ओवरटेक करके आया और लाके सीधा लेग गार्ड पे लड़ा दिया। 150 से हम लोग जा रहे थे, हम लोग को तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, वैसे नहीं आती चोट नहीं आती, लेकिन हुआ क्या कि जो फुटरेस्ट होता है ब्रेक वाला जो फुटरेस्ट होता है वो मेरे पैर में घुस गया था, तो उसके वजह से मुझे 4 टाँके लगे थे और 2 महीने का बेड रेस्ट था, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। सही हुआ फिर भी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बाइक राइड करें, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था। घर से भी थोड़ा प्रेशर था कि अभी मत जाओ तब तक पूरी तरीके से सही ना हो जाओ, तब तक इसके लिए इतना डिले हो गया। हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं यार बहुत हो गया, अब वीडियो बनानी है तो बनानी है। उसके लिए फिर हम लोग ने बाइक भी ले ली, 150 बेच दी मैंने, मैं 220 ले लिया था दिसंबर में, मैंने 220 लिया था, और भाई ने अभी अप्रैल में लिया, मार्च में भाई ने डोमिनार निकलवा लिया। ये खड़ी है दोनों बाइक, छुक छुक गाड़ी जा रही है। अब इसी से हम लोग अगली वीडियो पे भी जाएंगे, जो कि है हम लोग का अगला डेस्टिनेशन है बनारस, और इस महीने के एंड तक हम लोग बनारस का भी ट्रिप मारने का ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे, कैसे भी मारना ही पड़ेगा भाई, बहुत हो गए बेइज्जती पे बेइज्जती हो जाती है भाई। लोग कहते भाई तुम लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, ये रीज़न था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। लेकिन अब वीडियो आएंगे और जल्दी आएंगे। फाइनेंसर बैठा है अपना, इसको बोल रहा हूँ स्पॉन्सर कर दे बे, नहीं कर रहा है। डोमिनार खरीद लिया,
मेरी गाड़ी के साथ दिक्कत ये कि उसका इंजन का थोड़ा काम है, वो करा लेता हूँ, फिर उसके बाद उसका पिकअप जो है वो थोड़ा सही होगा, बहुत स्लो पिकअप है उसका। तो रियान भाई क्या बोलना चाहोगे तू? कुछ अच्छा था, राइड अच्छा था, यहाँ का मैगी अच्छा था, मैगी तो अच्छा था, गन्ने का रस सबसे बढ़िया था भाई, गन्ने का रस अच्छा था, गन्ने का रस सबसे बढ़िया था, गर्मी में सबसे बढ़िया है, लेकिन अच्छा है, मज़ा आया। तो अभी रिटर्न जा रहे हैं, अब यहाँ से रिटर्न होएंगे। कैमरा भी थोड़ा चार्ज पे डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार थोड़ा थोड़ा करके क्लिप हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, जो हो पा रहा है क्योंकि बैटरी उसकी वीक हो गई है, तो जो हम लोग से हो पा रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। गर्मी देख रहे हो भाई लोग, धूप देखो कितनी चरम पे, बढ़िया जगह है भाई, है कि नहीं? ये खड़ी है दोनों लल्लन टॉप, क्या बोलते हो? सेक्सी। बलरामपुर से घाघरा घाट तक आने में जो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, स्मूथनेस द सिटिंग पोस्चर और सब। रही बात बनारस की तो वी विल डिस्कस ऑन इट, ज़रूर जाएंगे। तो अब वापस निकल दिए बलरामपुर के लिए, गर्मी बड़ी खतरनाक हो रही है यार, मज़ा तो आता है बाइक राइड में, अगर ज़्यादा धूप ना हो तो और मज़ा आता है। हम लोग पहुँच गए सरयू नदी, घाघरा घाट फैजाबाद में जाती है नदी, जहाँ श्री राम जी ने समाधि ली थी, जो गुप्तार घाट कहलाता है, ये वही नदी है, वहीं उधर वहीं जाती, फैजाबाद जाती है ये नदी। अभी घाघरा घाट से वापस आ गए और अपने अपने घर जा रहे हैं, और ये वीडियो भी अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, करें, और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बात है ना भैया, और तुम तो पहले भैया राय दो कंट्रोल उदय, ओके बाय।